हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। मैं 11th की ट्रिगो अभी पिछले वीडियो में बताया, उसमें बेसिक बताया आपको, और ये 3.1 का मैंने रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन बताया। उसी के आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है कि डिग्री मेजर को में हमको इसको कन्वर्ट करना है, रेडियन दिया है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। 5 पाई बाई थ्री ये किस में है, रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो आपने पढ़ा पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई। तो यहाँ पे आप करोगे 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई ये क्या हुआ, कट गया, 3 से कट गया, ये 60 60 65 या 30, 300 क्या हुआ, ये आपका डिग्री हुआ। इसको आप यदि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो ये 300 रेडियन। फोर्थ वाला देख लो, आप दिया है 7 पाई बाई 6 इंटू कर दो यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ लिख लो, यहाँ 7 पाई बाई 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कट गया, 6 3 जा 7 3 जा 21, 210 डिग्री। तो 7 पाई बाई 6 जो होगा वो 210 डिग्री था, 5 पाई बाई 3 था आपका वो 300 डिग्री था। इसके बाद से हम लेते हैं 3.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 कि ये व्हील मेक 360 रेवोल्यूशन इन ए 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। करा 1 मिनट में, इन 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इन 1 मिनट में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, 360 है। कितना है, 360 है, मतलब 60 सेकंड में 360 है। तो 1 सेकंड में निकालो, 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 360 अपॉन 60। ये कट गया तो आपका हो गया 6। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा वो आपका 6 होगा। तो ये कह रहा है कि ये विल मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। कोई भी व्हील है या कुछ भी है, ये एक चक्कर लगा रहा है, ये व्हील है, मतलब ये कंप्लीट एक राउंड जब ये लगाएगा तो ये 2 पाई रेडियन क्या करेगा, बनाएगा या कवर करेगा। जब ये व्हील कोई भी एक 1 रेवोल्यूशन में, इन 1 रेवोल्यूशन में कितना होगा, 2 पाई। इसमें कह रहा ना कि हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स, तो ये कितना रेडियन टर्न्स करेगा, मतलब 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन टर्न्स करेगा, कितना करेगा, 2 पाई। 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहा है, 6। इसलिए जो इन 6 रेवोल्यूशन में वो कितना रेडियन टर्न करेगा, तो इन वन रेवोल्यूशन ठीक है, व्हील टर्न्स इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 1 रेवोल्यूशन में व्हील जो है वो 2 पाई रेडियन टर्न्स करेगा, देयरफॉर इन सिक्स रेवोल्यूशन व्हील टर्न्स इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई रेडियन। तो आंसर आपका कितना था, 12 पाई रेडियन। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100। पहले तो आपको इसमें क्या दिया है, फोर्थ में रेडियस दिया है 100 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। एल जो दिया है 22 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू दिया है 22/7। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर ऑफ द सर्कल
रेडियस दिस एंड आर्क की लेंथ ये दिया है, ठीक है। तो आपको जो एंगल निकालना है थीटा, वो आपको डिग्री में निकालना है, लेकिन ये हम थीटा निकालेंगे किस में आएगा, इन रेडियन आएगा, ये इन रेडियन पहले निकाल दो, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो कितना होता है एल बाई आर, कितना होता है एल बाई आर, एल कितना है, एल आपका दिया है 22 सेंटीमीटर, ये भी है सेंटीमीटर, वो भी है, दोनों आपका सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 22 अपॉन 100। ये जो चीज़ आई है किस में, ये रेडियन में आई है, कितना ये रेडियन में। अब इस थीटा को हमको निकालना एंगल, एंगल जो सब्सटेंड होगा इन डिग्री, डिग्री में निकालना है। तो आपको पता है डिग्री के लिए क्या करते हैं, पाई रेडियन 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में आपका 180 अपॉन पाई होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। ये आपका पहले आया था, इसको हमने यहाँ काटा नहीं, आप काट देते हैं, जीरो से जीरो काट दिया यहाँ पे, 22 से ये 22 कट गया पूरा, और ये 10। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना आपको, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 18/7 जा, ये कटेगा नहीं, 2 से काट दो इसको, 2/5 जा, 2 से कट गया 9, तो ये होगा 9/7 जा 63 अपॉन 5, ये डिग्री में आएगा। इसको कन्वर्ट करो, 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा ये 12, पूरा पूरा डिग्री आएगा, 3/5, 3 को आप डिवाइड करोगे तो 3 डिग्री बचेगा रिमाइंडर, 63 को नहीं तो डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे डिग्री में डिवाइड कर रहे हो, 5 से तो 5 1 जा 5, 1/3, 5 2 जा 10, 3 डिग्री बचा, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 180 मिनट हो गया, 3 6 जा, और 5 ये मिनट आपका डिग्री हुआ, 5 3 जा 15 आपका आ गया 3 0 5 6 जा 30, 36 क्या हो गया, ये मिनट हो गया, मतलब 12 डिग्री 36 मिनट, ये क्या आ गया आपका आंसर हो जाएगा। जो ये आर्क जो आपका दिया था 22 सेंटीमीटर का, वो आपको इतना जो है उसमें क्या करेगा, ये एंगल बनाएगा। मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक फिफ्थ कह रहा है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल ऑफ डायमीटर 40, द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की आपकी माइनर आर्क बतानी है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, क्या निकालना आपको, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क की लेंथ आपको बतानी है कितनी होगी। देखो ये आपको यहाँ से क्या होगा, रेडियस निकल जाएगा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कॉर्ड भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे ऐसे बनाया सर्किल, ये हो गया, तो कॉर्ड की लेंथ भी, ये कॉर्ड हुआ ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये रेडियस हो गया, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी, ए बी मान लो आपका कॉर्ड है, तो ये बन गया आपका 60 डिग्री। पूछ क्या रहा है इसमें, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, इस लेंथ इसको निकालना है, बट ये जो थीटा जो आपका आएगा, पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एंगल AOB जो होगा हो गया 60 डिग्री आएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो ये डिग्री आएगा, तो ये हो जाएगा 60 × π/180, 63 जा, तो होगा π/3 रेडियन हो गया। अब आपका एंगल भी आपका किस में आ गया, रेडियन में आ गया थीटा,
एंगल जो था ये थीटा मान लो, तो थीटा आ गया आपका यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर। तो यहाँ से थीटा कितना दिया है पाई बाई थ्री इक्वल टू एल, एल निकालना है आपको, लेंथ निकालना है ये, इसको एल मान लो, अपॉन आर कितना दिया है 20। तो यहाँ से एल कितना हो जाएगा, एल जो हो जाएगा 20 पाई अपॉन 3, एल की वैल्यू हो जाएगी 20 पाई बाई 3। जी आपका क्या आया लेंथ ऑफ आर का आया 20 पाई बाई 3, ये आपका लेंथ ऑफ आर का आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें कह रहा है इन द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबस्टेंड एंगल 60 एंड 75 एट द सेंटर, फाइंड द रेडिया रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो दो सर्कल दिया है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, उनकी आर्क जो है वो L1 इक्वल टू L2 दिया है, और थीटा वन दिया आपको यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा वन कितना दिया है 60 डिग्री, और थीटा टू जो दिया है वो दिया है 75 डिग्री। तो ये हो गया 60 इंटू पाई अपॉन 180। वैसे भी आपको पता है कि 60 डिग्री पाई बाई थ्री होता है, फिर भी हमने लिख दिया पाई बाई थ्री रेडियन। ये आप करोगे 75 इंटू पाई बाई 180 डिग्री, ये आप 5 से काटोगे तो 15 आएगा, ये 5 से काटोगे तो ये 5 3 15 5 6 30, तो ये हो गया, फिर यहाँ से कट जाएगा ये 3 से, ये 3 से कट जाएगा 3 5 जा, और 3 से काटोगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 5 पाई बाई 12 हो गया, कितना हो गया 5 पाई बाई 12 आ गया रेडियन। अब आपको जो दिया है इसमें R1 रेशियो R2 निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है, तो फार्मूला आपका क्या होता है थीटा इज इक्वल टू L बाई R, यहाँ से L इज इक्वल टू क्या निकलेगा थीटा इंटू R आ गया। तो L1 इक्वल टू L2 आपको दिया हुआ है, इसके जगह L1 के जगह आप क्या ले सकते हो थीटा 1 R1 इक्वल टू हो जाएगा थीटा 2 R2। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1। थीटा 2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, थीटा 2 की वैल्यू है 5 पाई बाई 12 डिवाइड दिया है आपको पाई बाई 3। तो यहाँ से बन जाएगा R1 रेशियो R2 5 पाई बाई 12 इंटू 3 अपॉन पाई, ये 3 से पाई से पाई कट गया 3 4 12, तो ये आ गया 5 रेशियो 4। तो ये जो रेडियस का रेशियो आएगा इसमें, जो 6 क्वेश्चन था इन द टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबस्टेंट एंगल दिस एंड दिस एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो रेडियस का रेशियो जो आएगा वो 5 रेशियो 4 आएगा, यही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन है 7th, इसको भी ख़त्म करते हैं। करें कि द लेंथ ऑफ रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिक्रीज डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। दी आर्क ऑफ लेंथ दिया है और आपको ये क्या दिया है लेंथ, ये पेंडुलम ऐसे है, ये पेंडुलम ऐसे स्विंग कर रहा है, तो इसकी ये क्या होगा आपका आर हो जाएगा। करें कि फाइंड द एंगल रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इफ द लेंथ इज 75 एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। तो पहला पार्ट इसमें है 7 क्वेश्चन का, जो आर दिया है वो 75 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 75 सेंटीमीटर, और फर्स्ट पार्ट में दिया है लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क दिया एल 10 सेंटीमीटर। तो थीटा जो हो जाएगा इसमें थीटा 1 मान लो पहले में एल बाई आर, एल कितना आया 10 अपॉन कितना हो जाएगा 75, 5 2 जा 5 से काटोगे इसको तो 15 5 जा 55, 2 बाई 5 15 रेडियन हो जाएगा। तो पहला जो इसमें आंसर आ जाएगा 15 क्या जाएगा 2 बाई 15 रेडियन। दूसरा इसमें दिया है 15, जब सेकेंड में कह रहा है कि लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर हो जाए, तब इसमें थीटा 2 मान लो एंगल एल बाई ये L1 L2 मान लो, इसको L1 ये इसको L2 मान लो, L2 अपॉन
आर तो सेम है, तो इसमें लेंथ ऑफ आर क्यों 75 अपॉन, नहीं आर की वैल्यू तो नीचे आएगी ना, ये 15 दिया है, 15 अपॉन आर 75 यहाँ आ जाएगा, तो 15 फाइव जा ये 1/5 रेडियन आ गया, जो दूसरे में एंगल आएगा। तीसरे में एंगल जो आएगा वो दिया है L3 दिया आपका यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क 21 सेंटीमीटर, कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसमें थीटा जो आएगा आपका L3 अपॉन आर 21 अपॉन 75, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये कटेगा आपका 3 से 3 7 जा, और 3 से काटोगे तो इसको 25 आएगा, ये 7/25 रेडियन हो गया, 7/25 रेडियन आ गया। तो ये आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे जो मैंने बताया 3.1 के ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हो और आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं सर मोर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। एनडीए वगैरह की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो तो इस पे चैनल पे बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, एनडीए का, बाकी भी और एकेडमी का भी बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।